भारत में एक और नई सरकार का गठन हुआ, इसके समानांतर जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातें तेजी से बढ़ी। जम्मू के क्षेत्र में 4 दिन में 4 आतंकी हमले हो गए, आम नागरिकों को निशाना बनाया गया। सुरक्षा बलों की ओर से पलटवार जारी है, स्थिति की समीक्षा की गई है, लेकिन कश्मीर से परे जम्मू के आतंक के निशाने पर आने का कारण क्या है? क्या है पाकिस्तान प्रायोजित आतंक की ताजा किश्त के पीछे का षड्यंत्र? कश्मीर में कमर टूट गई तो पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने, आखिर क्यों है आतंकियों के निशाने पर जम्मू? और भी जो लोग इस तरीके सोचेंगे भी तो फिर कांपेंगे। जम्मू इसलिए चूज किया गया है क्योंकि जम्मू जो है इनकी गतिविधियों के लिए काफी फर्टाइल इलाका है, क्योंकि जंगल जम्मू में बहुत है। आतंकी संगठन ये जतलाना और दिखाना चाहते हैं कि उनकी उपस्थिति पूरे जम्मू कश्मीर में मौजूद है। जम्मू में हमला करने में क्यों कामयाब हो रहे हैं आतंकी? ये हमारा एक हॉस्टाइल नेबर है, जिसके यहाँ पर जो पीसफुल हमारा सारा एनवायरनमेंट है उसको डैमेज करने के लिए उसकी हमेशा कोशिश ये रहती है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आतंकियों ने क्यों किया शपथ ग्रहण के दिन तीर्थ यात्रियों पर हमला? पाकिस्तान दुनिया को दर्शाना चाहता है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन में इतनी बड़े तादाद में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन उसके बाद भी स्थिति जो है वहाँ उस माफिक नहीं है जिस माफिक हिंदुस्तान क्लेम कर रहे हैं। आतंकवादी करीब 7-8 के आसपास थे। आतंकवादियों ने गोली फायर किया और बस पे लगी गोली, बस डिसबैलेंस होके खाई में गिर गई। उसके बाद भी उन्होंने गोली चलाना बंद नहीं किया। लोग बस में थे, पता नहीं कौन गोलियां धड़ाधड़ चलाने लगा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी, आतंकवादियों के समर्थकों की नाक में नकेल कसी गई, आतंकियों की फंडिंग नेटवर्क टूट गए, आतंकियों को आतंकी वारदात करना मुश्किल हो गया। लेकिन 2023 के बाद आतंकियों ने अपनी रणनीति बदल ली और जम्मू को निशाने पर ले लिया। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की फर्स्ट चॉइस जो है वो कश्मीरी है, कि वहां पर ये इस तरह के छापे मारे जाए, वहां इस तरह का उबाल लाया जाए। मगर भारत की एजेंसीज, भारत के सिस्टम ने कश्मीर के ऊपर इतनी तगड़ी निगरानी रखी है कि वहां के जितने नेटवर्क्स थे उनको नाकारा कर दिया। इसलिए उन्होंने चुना है वो इलाका जहां 15 साल से ज्यादा एक्टिविटी नहीं हुई है। नेटवर्क मेरे ख्याल में अभी भी वहां पर कायम है, क्योंकि जब भी इस तरह से टेरर किसी जगह से हटता है तो टेरर शायद साबित ना हो मगर नेटवर्क वहां पर रहते हैं, और वो नेटवर्क जो है उनको शायद रीएक्टिवेट किया गया है। प्रॉब्ली यहाँ पर कोई स्लीपर एजेंट्स हो, इस तरह के हो, ये नेटवर्क्स जो है अभी भी कायम है। कश्मीर में मात खाए आतंकियों ने 2023 से ही जम्मू को टारगेट करना शुरू कर दिया था। 2023 के पहले ही दिन राजौरी के एक गांव में आतंकियों ने 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बाद में आतंकियों के IED ब्लास्ट में 2 बच्चों की भी मौत हो गई। अप्रैल 2023 को भी दहशतगर्दों ने घात लगाकर हमला किया जिसमें 5 जवानों की मौत हो गई थी। 1 जनवरी 2023 से 13 जून 2024 तक 42 नागरिक और सुरक्षा कर्मी मारे जा चुके हैं। सवाल उठता है आखिर जम्मू क्यों? कश्मीर में हमला करना आसान नहीं रहा, पीर पंजाल के जंगल छुपने में मददगार है। पीर पंजाल की जो पहाड़ियां हैं वो जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र के बीच का प्राकृतिक विभाजन है। ये मुगल रोड जो है वो जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र को जोड़ता है। आतंकियों ने भारत सरकार के संयम को छेड़ा है, नई रणनीति से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया है, जांच का जिम्मा NIA को सौंप दिया गया है। आतंकी घटनाओं में अचानक आई इस वृद्धि के बाद सरकार भी लगातार एक्शन में है। 13 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने NSA डोवाल सहित सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर मीटिंग की। 14 जून को गृह मंत्री अमित शाह ने भी मीटिंग की। 15 जून को जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की और 16 जून को फिर एक बार गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर सुरक्षा रिव्यू मीटिंग की।
इस मीटिंग में एनएसए अजीत डोवाल के साथ जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी शामिल हुए। गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादी और आतंकवादियों के समर्थकों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के निर्देश दिए। ये जो उच्च स्तरीय सिक्योरिटी की बैठक हुई है आज जो जम्मू कश्मीर के बारे में, मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ज़रूरी है और सिर्फ बैठकों का जोर नहीं और बैठकों के बाद में क्या एक्शन प्लान होना चाहिए ये बहुत ज़रूरी है। चार दिनों में चार वारदात, मेरे ख्याल में ये चिंता का विषय है। 29 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। गृह मंत्री ने यात्रा रूट और नेशनल हाईवे पर सुरक्षा के विशेष प्रबंध करने को कहा है। तीर्थ यात्रियों पर हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान पोषित आतंकवादी संगठन TRF ने ली है। जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है क्योंकि 29 जून से इस वर्ष की जो है वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू होने जा रही है। 52 दिन तक ये यात्रा चलेगी तो सुरक्षा की दृष्टि से काफी चुनौती रहेगी सुरक्षा एजेंसियों के लिए कि किस प्रकार से जो यात्रा है ये शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण हो जाए। TRF पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के इशारे पर काम करता है। पहले भी कश्मीर के कई हमलों में इसका नाम आ चुका है। आतंकी अपना खूनी खेल खेल चुके हैं, अब बारी है भारतीय जवानों के जवाब की। चुन चुन कर आतंकी मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, जो छुपे हैं उनका अंजाम भी जल्द ही मौत होगा। आबादी के रूप में जनसंख्या के हिसाब से कश्मीर और जम्मू के बीच बहुत स्पष्ट अंतर है। ऐसे में जम्मू क्षेत्र में हमलों का बढ़ना, हिंदू गांव पर हमला होना, तीर्थ यात्रियों से भरी बस को निशाना बनाना, इन हमलों को देखें तो एक पैटर्न नजर आता है। ये साजिश नजर आती है कि जम्मू कश्मीर में मजहबी द्वेष फैलाने की कोशिश की जा रही है। पिछले एक साल से लगातार जम्मू के अलग अलग इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। कभी आम नागरिकों को टारगेट किया जाता है, कभी सुरक्षा बलों को। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि पीएम मोदी के शपथ लेने के चार दिन के अंदर ही जम्मू में चार बड़े हमले होते हैं। पहले तीर्थ यात्रियों की बस पर ताबड़तोड़ हमले किए गए जिसमें 9 लोगों की जान चली गई। 2 दिन बाद ही कठुआ में आतंकियों ने आम नागरिकों को निशाना बनाया। अगला हमला डोडा के छत्रकला में सुरक्षा बलों के अस्थाई ऑपरेटिंग बेस पर हुआ जिसमें 5 जवान घायल हुए। रियासी में बस पर हुए हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली। डोडा पर हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के एक आतंकी संगठन ने ली है। जानकारों की माने तो ये जैश के ही उपसमूह है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार लॉन्च पैड में 60 से 70 आतंकी सक्रिय हो सकते हैं। एक एक करके इनको बाउल वाइज हमने 1995 से लेकर 2005 के बीच में जब इन लोगों ने 10 साल तक जम्मू की रीजन को पूंछ राजौरी किश्तवाड़ डोडा रामबन को उथल पुथल करने की कोशिश करी पर लोगों ने डटे रहे और फौज पुलिस और पैरामिलिट्री उन्होंने अपनी एजेंसीज अपनी पूरी ताकत भिड़ा दी और इनको नाश्तोनाबूद करने में कामयाब हुए। फिर उसी तरीके का एक चैलेंज अगर हमारे सामने दुश्मन रख रहा है तो हम एकदम से दृढ़निष्ठ हैं, हम प्रतिबद्ध हैं कि हम इनको मुंह करारा जवाब देंगे। चुन चुन कर एक एक कर हम ज़्यादा तो तादाद नहीं हैं, हम इनको मार गिराएंगे और हर एक की लाइफ स्पान जो है अंदर घुसने के बाद उसको छोटे से छोटे कर देंगे और इसको खत्म कर देंगे। तो क्या कश्मीर में मजहबी द्वेष फैलाने की कोशिश हो रही है? क्या अब जम्मू का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? क्यों तीर्थ यात्रियों और श्रद्धालुओं को ही निशाना बनाया जा रहा है? टूरिस्ट की सेफ्टी का अभी ये देखना चाहिए कि मेरे ख्याल से अगस्त के महीने के अंदर हमारी जो अमरनाथ की यात्रा है ये शुरू होने वाली है और वो यात्रा इसी रूट पे होती है जहाँ पे ये हमला हो गया है। तो अगर इन टूरिस्ट की अगर हम
जो सिक्योरिटी है इसे हम ठीक तरह से नहीं कर सकते तो ये टूरिस्ट की जो संख्या है ये कम हो जाएगी, यानी कि टूरिस्ट की जो रक्षा करना है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और टूरिस्ट की सेफ्टी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये हम देश को आश्वस्त करना चाहते हैं, कल से माननीय प्रधानमंत्री जी और मोदी जी भी मामले पर नजर बनाए हुए, लोग भी जिम्मेदार हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक नापाक कोशिश हुई है कि जम्मू रीजन को भी किसी तरीके से करमाल में लाया जाए और मुझे लगता है कि एक नापाक कोशिश है जिसे हर हाल में विफल किया जाए। सवाल बड़ा है, आखिर आतंकियों ने कश्मीर घाटी के बजाय अब जम्मू पर हमले क्यों शुरू कर दिए? ये जो हमला हुआ है इट इज बीइंग कैरिड आउट बाय इन्फिल्ट्रेटर्स फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, जिसको हर प्रकार से सपोर्ट किया गया, अबेट किया गया, असिस्ट किया गया बाय द पाकिस्तानी आर्मी एंड द एसआई। तीसरा, ये टाइमिंग जो चुनी गई है वो ऐसी चुनी गई है जिससे मैक्सिमम एम्बैरेसमेंट हो हिंदुस्तान को, मैक्सिमम पे ऑफ हो। इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया और 7 हेड्स ऑफ स्टेट्स मौजूद थे जब ये पहला रियासी का अटैक हुआ। चौथा, पाकिस्तान दुनिया को दर्शाना चाहता है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन में इतनी बड़े तादाद में लोगों ने पार्टिसिपेट किया लेकिन उसके बाद भी स्थिति जो है वहां उस माफिक नहीं है जिस माफिक हिंदुस्तान क्लेम कर रहा है। सुरक्षा बलों की तरफ से त्वरित कार्रवाई की गई, आतंकियों की जानकारी लेते हुए अलग अलग मोर्चों पर घेराबंदी शुरू की गई, आतंकियों के मददगारों की पहचान की जा रही है, आतंकियों की तस्वीरों को भी जारी किया गया है। ये बस जब रानसू से निकली कटरा के लिए, जैसे ही त्रियाट इलाके की तरफ पहुंची, एक सुनसान इलाका है यहाँ पर, घने जंगलों से घिरा हुआ, आतंकी यहाँ पर पहले से ही घात लगाकर जो है तैयार थे और जैसे ही ये बस यहाँ पर पहुंची तो आतंकियों ने इस बस पर गोलियां बरसा दी। आईसी हॉस्पिटल से खबर आई है कि अभी आइडेंटिफाई किया है, वहां से फोटो आई है। पता नहीं कौन गोलियां धड़ाधड़ चलाने लगा। 5:30 बजे बस चली, 6 बजे ये सब हमला हुआ और 6-7 किलोमीटर ऊपर आई, फिर उसके बाद फायरिंग चालू हुई। हम उनको लेके जमीन पर लेट गए, फिर उसके बाद खाई में गिर गई बस। जब तक खाई में गिरी रही तब तक गोली चलती रही, जब तक उसकी गोली खत्म नहीं तब तक चलती रही। सिकोड़ी से दर्शन करके आ रहे थे, वहीं पे मतलब जैसे आतंकवादियों ने गोली फायर किया और बस पे लगी गोली, बस डिसबैलेंस होके खाई में गिर गई। नहीं बचेंगे तीर्थ यात्रियों के गुनहगार, नहीं बचेंगे जम्मू कश्मीर की शांति भंग करने वाले। घने जंगलों में आतंकियों को खोजा जा रहा है, ड्रोन्स की मदद से हथियारों का सर्च ऑपरेशन जारी है, तीर्थ यात्रियों पर गोली बरसाकर रियासी के पहाड़ी और जंगली क्षेत्र में आतंकवादी छुप गए। नौ निर्दोष तीर्थ यात्रियों की जान लेने वाले पाकिस्तानी समर्थित आतंकियों की खोज में सेना और सीआरपीएफ की टीमें लगी हैं। आने जाने के सारे रास्तों पर नाकाबंदी है, रियासी के जंगलों को चारों तरफ से घेरा जा चुका है। संदेश साफ कि आतंकियों को इस दुस्साहस की बड़ी कीमत चुकानी होगी। अब तक 50 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है बिना स्थानीय मदद के आतंकी उतनी बड़ी साजिश को अंजाम नहीं दे सकते थे। पिछले 2 वर्षों में एक पैटर्न दिख रहा है कि खासतौर पर जो दक्षिण क्षेत्र है पीर पंजाल का, रजौरी और पुंछ जिला,
दोनों जिले, राजौरी जिला और पुंछ जिला, यहाँ पर आतंकी घटनाएं काफी ज्यादा हुई हैं। और अगर हम देखें अभी हाल फिलहाल में जम्मू संभाग में 4 दिन में 4 आतंकी घटनाएं हुई, और कहीं ना कहीं इससे जो सुरक्षा तंत्र है काफी चिंतित है, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट जो है काफी चिंतित है, क्योंकि एक नई चुनौती साबित बनकर उभर आ रही है। तो इस चुनौती से निपटने के लिए नई रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि जम्मू संभाग के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, ये 90 के दशक में और 2000 के दशक के शुरुआती वर्षों में आतंकवाद से काफी ज्यादा प्रभावित थे, लेकिन सुरक्षा बलों के अथक प्रयासों से कहीं ना कहीं यहाँ पर आतंकवाद पर जो है नियंत्रण हो गया और ये जो क्षेत्र है लगभग आतंकवाद मुक्त हो गए। सेना और पुलिस ने अरनास और माहौर जैसे इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन चलाया। ये वो इलाके हैं जहां पर 1995 से 2005 के बीच तक काफी आतंकी गतिविधियां रहती थी, लेकिन अब जब रियासी में इतना बड़ा हमला हुआ है, ऐसे में सेना अपनी जांच को सिर्फ कुछ इलाकों तक सीमित नहीं रखना चाहती है। इसी वजह से दूर दराज के इलाकों में भी कड़ी जांच चल रही है। आतंकियों की कई लीड सुरक्षा एजेंसियों को मिली है, जिसकी बिना पर आतंकियों से जुड़े पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। हर वो कड़ी जोड़ी जा रही है जिसके कारण आतंकी हमले को अंजाम दे सके। आतंकी वारदातें पहले कश्मीर में होती थी, लेकिन अब जम्मू में आतंकी गतिविधियां बढ़ी। सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों की इस बदली हुई रणनीति को डीकोड कर रही हैं। एक इंटेंट जो है एनिमी की, वो ये है कि अपने ही वहाँ के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को वहाँ उनको रिक्रूट करके यहाँ जबरन उनको भेजा जा रहा है। हम अपना रिस्पॉन्स बना रहे हैं, हम अपना सारे रिसोर्सेज को मैप कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम प्रतिबद्ध हैं कि हम इनको मुँह करारा जवाब देंगे, चुन चुन कर, एक एक कर। हम ज़्यादा तो तादाद नहीं हैं, हम इनको मार गिराएंगे और हर एक की लाइफ स्पान जो है अंदर घुसने के बाद उसको छोटे से छोटे कर देंगे और इनको ख़त्म कर देंगे। गोली चलाने वाले आतंकियों के साथ साथ चुनौती उन साजिशकर्ताओं को पकड़ने की भी है, जिनकी मदद से आतंकी हमला करने में कामयाब हो सके। आतंकी घने जंगल में छुपे हैं, जिसके कारण सर्च ऑपरेशन सुरक्षा कर्मियों के लिए चुनौती बना हुआ है। पिछले कुछ सालों में कश्मीर के क्षेत्र में आतंकी वारदातों में कमी आई, लेकिन जम्मू के क्षेत्र में ऐसी घटनाएं बढ़ गई। पूंछ के इलाके में सुरक्षा बलों पर कई हमले हुए, राजौरी के हिस्से में भी आतंकी वारदातें हुई, और अब आम नागरिकों को जम्मू क्षेत्र में आतंकी निशाना बना रहे हैं। मान्यवर गृह मंत्रालय हर माह यहां पर सिक्योरिटी रिव्यू करता है और हर 3 माह में मैं वहां जाकर सिक्योरिटी रिव्यू करता हूं। मान्यवर एक जीरो टेरर प्लान बनाया गया है जिसको हमने इम्प्लीमेंटेशन में लाया है। 3 साल से वो प्लान एक्शन में है। मुझे पूरा भरोसा है मान्यवर कि 24 के बाद फिर से मोदी जी आने वाले हैं, 26 आते आते जीरो टेरर प्लान 100% इंप्लीमेंट होगा। तारीख 6 दिसंबर 2023, लोकसभा में गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर पर रिपोर्ट पेश की थी। 1 साल से पहले आतंकी घटनाएं नए सिरे से सर उठा रही हैं। इस बार जम्मू आतंकवादियों के निशाने पर है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के आंकड़ों के अनुसार जम्मू क्षेत्र में जनवरी 2023 से आतंकवाद के 29 घटनाओं में 42 नागरिक और सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई है, जो जनवरी 2023 से कश्मीर डिवीजन में होने वाली ऐसी मौतों की संख्या से लगभग दोगुनी है। कश्मीर के बीच में घुसपैठ अभी कम हो रही है। कश्मीर के बीच में जो कहते हैं ना होम ग्रोन इंसर्जेंसी, वो भी अभी बहुत कम हो रही है। आप देख रहे हैं इंसिडेंट हो रहे हैं, इंसिडेंट होते हैं और वो जो भी इंसिडेंट करता है 1 या 2 दिन के बीच में सारे मारे जाते हैं। इस कारण से वहां इन्फिल्ट्रेशन
बिल्कुल कम हो गई है, ऑलमोस्ट जीरो हो गई हुई है। अगर होती है इन्फिल्ट्रेशन तो जम्मू खित्ते से होती है, जम्मू संभाग से होती है और यहां से पार करके पीर पंजाल से वो जाके वहां पर करते हैं। तो मैं ये कहूंगा जम्मू वाली जो इन्फिल्ट्रेशन है जम्मू के इलाके की, वो दो भागों में हो रही है, LOC और IB सेक्टर के बीच में। आतंकी हमले के जवाब में कठुआ के सैदा सुखाल गांव में हुए एनकाउंटर में दो आतंकी मार गिराए गए। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। ये एक जंग है, हमको मानना पड़ेगा, हमको मानना पड़ेगा इस बात का कि एक जंग हम पर थोप दिया जा रहा है। हर जंग में माने दुश्मन ने कोशिश करेगा नुकसान करने के लिए, और हमारा टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी रहेगी कि उसको नुकसान को कम करते हुए उनको नास्तोनाबूद कर देना। जो चंद गिने चुने लोग होंगे हम उनको कुचल देंगे, हम उनको मसल देंगे, हम ऐसे शक्ति से पेश आएंगे कि नमूना बनाएंगे उनका कि और भी जो लोग इस तरीके सोचेंगे भी तो फिर कांपेंगे। हमलों के साथ बढ़ती चिंता ये है कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अब सुरक्षा बलों और निर्दोष नागरिकों दोनों को निशाना बना रहे हैं। 9 जून को लश्करे तैयबा मॉड्यूल ने जिस तरह तीर्थयात्रियों की बस पर हमला किया और 9 तीर्थयात्रियों की जान ले ली, वो जम्मू कश्मीर की शांति के लिए चुनौती है। अनुच्छेद 317 हटने के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने उन सभी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों जिसमें लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद जैसे प्रमुख आतंकी संगठन शामिल थे, उनको एक छतरी में लाकर TRF के नाम से एक नया आतंकी संगठन बनाया। रेजिस्टेंस फ्रंट का ये आतंकी समूह पिछले 5 साल से लगातार जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर सुरक्षा बलों को निशाना बना रहा है, और पिछले हफ्ते जो जम्मू में 4 आतंकी वारदातें हुई हैं उनकी जिम्मेदारी भी TRF ने ही ले ली है। जानकारों की माने तो जम्मू क्षेत्र के बड़े और जटिल भूभाग को पाकिस्तान समर्थित आतंकी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर और LOC से सुरंगों के रास्ते घुसपैठ करते हैं। कई आतंकी ड्रोन के जरिए हथियार पहले भेज देते हैं और फिर आम नागरिकों के भेस में आ जाते हैं, जिसमें स्थानीय लोग भी उनकी मदद करते हैं। लश्कर और जैश जैसे मॉड्यूल्स इधर आसानी से पकड़ में नहीं आते क्योंकि वो अब मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आतंकी घुसपैठ के लिए मानसून का भी इंतजार करते हैं ताकि पानी भरने से कटीले तारों के नीचे से छिपकर निकला जा सके। अगर हम देखें तो पिछले 2 वर्षों में ये अब एक पैटर्न बन गया है कि ये जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जम्मू संभाग के, चाहे राजौरी हो, पुंछ हो और अब रियासी भी, यहाँ पर लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये अब बात सामने आ रही है कि ये जो क्षेत्र है पीर पंजाल के दक्षिण का क्षेत्र, ये आतंकवाद का नया गढ़ बन चुका है। यहाँ जम्मू कश्मीर में वहां पर एक सुनसान इलाका है, जंगल से घिरा हुआ इलाका है, ऊंचे पहाड़ है, तो आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया और उस पर फायरिंग जो है आतंकियों ने की। अब ये कोशिश कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं जंगल वारफेयर की तरफ, जंगल गुरेरा वारफेयर की तरफ, क्योंकि कश्मीर में वैली बोल है जो है जहाँ पे इनको जनरली टारगेट्स मिलते थे, वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर नहीं है उनको छुपने के लिए, इसलिए वो अब पुंछ राजौरी में और इसी तरह से आपने देखा डोगरा के रीजन्स में जंगल वारफेयर की तरफ जा रहे हैं, और उसमें कुछ दिक्कतें ज़रूर आती है सिक्योरिटी फोर्सेज को। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हमने उनको सोर्स पे ही रोकने की कोशिश करनी है ताकि वो इन्फिल्ट्रेट ना कर पाए। सवाल ये भी है कि जम्मू क्यों है आतंकियों के निशाने पर? माना जा रहा है कि अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद पाकिस्तान स्थित आतंकी समूहों की रणनीति का ध्यान कश्मीर घाटी से हट गया, जहाँ सुरक्षा बल मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। पिछले 2-3 वर्षों से आतंकवादी जम्मू में रुक रुक कर हमले कर रहे हैं, जिससे हिंसा में वृद्धि देखी गई है। विशेष रूप से 2023 में 43 आतंकवादी हमले और 2024 में अब तक 20 हमले हो चुके हैं। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ था जब जम्मू और कश्मीर में रिकॉर्ड वोटिंग हुई। अब आगे जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव होने हैं। सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान और उसके आतंकी भारत के लोकतंत्र से डर गए? भारतीय जनता
भारत के नए थल सेनाध्यक्ष का ऐलान हो चुका है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून से पद संभालेंगे। उनके पास आतंक के खिलाफ लड़ाई का लंबा अनुभव है, लेकिन इस समय भारतीय सुरक्षा बलों पर बड़ी जिम्मेदारी यह है कि जल्दी से जल्दी स्थिति को नियंत्रण में किया जाए, क्योंकि 29 जून से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। अमरनाथ यात्रा हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रही है। इस साल 29 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। जम्मू में जिस तरह से आतंकी हमले बढ़े हैं, खतरा इस साल भी है। तो अमरनाथ यात्रा के जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, उसमें लगभग फूल प्रूफ अरेंजमेंट होते हैं। लेकिन जहां तक मेन यात्रा का ताल्लुक है, उसमें अरेंजमेंट्स आजकल के हालात के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में किए गए हैं और सक्सेसफुली किए गए हैं। ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक चुनौती है, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कैपेबिलिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इतनी अच्छी हो गई है कि ये मरहला पार करना मुश्किल नहीं है। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि यात्रियों को कोई ऐसी फीलिंग हो कि कोई अनसेफ है, ऐसी कोई बात नहीं है। 30 जून को भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 30 जून को ही भारत को नए सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी मिल जाएंगे। मौजूदा समय में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के उप सेना अध्यक्ष हैं। वो भारतीय सेना के उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ भी हैं। नए सेना प्रमुख के पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी अमरनाथ यात्रा को सुरक्षा प्रदान करने की होगी, क्योंकि अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमलों का पुराना इतिहास है। 2 जुलाई 1993 आतंकी हमले में कई तीर्थ यात्रियों की जान गई, कई घायल हुए। 1 अगस्त 2000 पहलगाम हमले में 30 तीर्थ यात्रियों की जान गई, 60 से अधिक घायल हुए। 20 जुलाई 2001 अमरनाथ यात्रा के दौरान हुए एक हमले में 13 तीर्थ यात्री मारे गए। 30 जुलाई 2002 नुनवा बेस कैंप पर आतंकी हमले में 9 तीर्थ यात्री मारे गए, 27 घायल हुए। 10 जुलाई 2017 अनंतनाग में तीर्थ यात्रियों की बस पर हमले में 7 लोग मारे गए, 19 घायल हुए। सबसे चुनौतीपूर्ण मोर्चा है नॉर्दर्न कमांड, विजन आपका क्या है नॉर्दर्न कमांड? देखिए, सबसे पहला विजन ये है कि हमें अपनी बॉर्डर सुरक्षित लगनी है, और दूसरी चीज ये है कि यहाँ के लोगों के साथ मिलके जो उनके एस्पिरेशंस हैं उनमें मैं भागीदार बनूं और उनके एस्पिरेशंस को पूरा कर सकूं। 2.5 मोर्चों की बात हम हमेशा करते हैं, लेकिन मैं उस आधे मोर्चे की बात करती हूं जिसको टैकल तो बहुत अच्छे से किया जा रहा है, लेकिन क्या आज की तारीख में आप ये कह सकते हैं कि जो लोकल्स हैं वो कम आतंक की तरफ जा रहे हैं, वो उस नैरेटिव में नहीं फंस रहे, ज्यादा से ज्यादा मुख्य धारा में आना चाहते हैं? देखिए, इसको हम बोलते हैं होल ऑफ नेशन अप्रोच, यानी कि इसमें जिस तरह से आर्मी इन्वॉल्व है उसी प्रकार से हमारे जो बाकी लोग हैं, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो एनजीओज हों या पॉपुलेशन खुद, जब तक आम जनता जो चाहेगी फाइनली वही होगा। एंड मैं ये पूरे फक्र के साथ, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आम जनता जो आज चाहती है वो अमन चाहती है, शांति चाहती है, उन्नति चाहती है। लॉन्च पैड्स पे बैठे आतंकी तो वो नहीं चाहते। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो बैठे हुए हैं आतंकवादी वो ये नहीं चाहते हैं, और इसीलिए मैंने पिछली बार भी बोला है कि अगर वो यहाँ आने की कोशिश करेंगे तो उनके लिए कफन और कब्र दोनों तैयार। असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए अति विशिष्ट सेवा मेडल, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी के सामने चुनौतियां और भी हैं। उन्हें भारत पाकिस्तान और भारत चीन सीमाओं पर सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा, जहां तनाव और संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को नियंत्रित करना और स्थानीय शांति और स्थिरता बनाए रखना। उन्हें सेना की आधुनिकीकरण योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना होगा ताकि सेना भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सके। अपने अनुभव और नेतृत्व क्षमता के दम पर भारतीय सेना को और मजबूत करना ही लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का उद्देश्य होगा। बढ़ते आतंकी वारदातों को देखते हुए सरकार की तरफ से समीक्षा की जा रही है। सुरक्षा बलों ने अपनी कार्रवाई में तेजी लाई है, पर राजनीति भी इस पर शुरू हो गई है। बड़ी बात चिल्ला के बोलने से नहीं होता, आपको जो इनिशिएटिव लेने चाहिए, पहल कदमियां लेनी चाहिए, आप उसमें असफल साबित होना। भर्त्सना करते हैं, कंडेम करते हैं, आतंकवाद के खिलाफ हम लोग शुरू से रहे हैं,
कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। मोदी जी ने कहा कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, उसी नियम का पालन करते हुए आगे की कार्रवाई भी निर्धारित की जाएगी। लगातार आतंकवाद पर मोदी सरकार ने कड़ा प्रहार किया है। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ के प्रशासन से बात करके इस सारी घटना की जानकारी ली है। जम्मू में हुए लगातार आतंकी हमलों के बाद देश भर के लोगों के मन में गुस्सा है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन राजनीति के लिए भी ये एक मुद्दा बन गया है। Do you think this is a high time to hold a dialogue with Pakistan? The foreign minister himself has said only yesterday that with China we have to continue dialogue. And he has mentioned for the first time Pakistan also. I hope they continue and they find a solution to it. We are the ones who are facing the tragedies. The innocent people of the state are facing the tragedy. जिस दिन देश में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, उस समय आतंकवादी जम्मू में तीर्थयात्रियों को निशाना बना रहे थे। इस देश में सरकार शपथ ले रही थी, नरेंद्र मोदी जी शपथ ले रहे थे, कई राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे हिंदुस्तान में, भारत में। उसी दिन उसी वक्त रियासी में एक आतंकी हमला हो रहा था जिसमें 9 तीर्थयात्री, निहत्थे तीर्थयात्री मारे गए। क्या ये नया कश्मीर है नरेंद्र मोदी का? कश्मीर से लेकर दिल्ली तक आतंकी घटनाओं पर बैठकों मीटिंगों का दौर चल रहा है, लेकिन राजनीति भी जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक का रास्ता नाप रही है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी देश को गुमराह कर रही थी कि हमने कश्मीर के अंदर शांति स्थापित कर दी, हमने कश्मीर के अंदर चुनाव बंद कर दिए, हमने उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, हमने असेंबली खत्म कर दी, हमने नोटबंदी ले आए, अब जो है उग्रवाद खत्म हो गया। हमलों की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद समर्थक TRF ने ली है। इसी महीने के अंत में 29 जून से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होनी है। सरकार किसी भी तरह की आतंकी घटना को रोकने के लिए अलर्ट मोड में है। गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा के इंतजामों पर एक हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में गृह मंत्री के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा, CRPF के DG अनीश दयाल और BSF के DG नितिन अग्रवाल मौजूद थे। इनके अलावा गृह सचिव, IB चीफ, रॉ चीफ सहित कई बड़े अधिकारी शामिल थे। दिसंबर 2023 को संसद में गृह मंत्री ने दावा किया था कि सरकार में लौटते ही जीरो टेरर प्लान जम्मू कश्मीर में लागू होगा। आतंकियों ने सरकार के विधिवत गठन से पहले ही ताबड़तोड़ आतंकी हमले करके चुनौती पेश की है। विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। 3 दिन में 3 हमले हुए तो जिम्मेदार कौन है? क्या अब भी मोदी जी वहां नहीं जाएंगे? क्या अब भी वो बाकी जो विपक्ष, हम तो विपक्ष नहीं मानते प्रतिपक्ष कहते हैं, उनको ही खत्म करने में अपना आनंद मनाएंगे? आतंकवादियों ने आतंक की रणनीति बदलकर जम्मू को दहलाया है। पाकिस्तान समर्थित और पोषित आतंकवादी एक बार फिर सक्रिय हो रहे हैं। सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बढ़ी है और राजनीति को एक मुद्दा मिल गया है।